अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हुर फातिमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। खबर शामिल करते हैं जीवनी से। हमारे सिटी रिपोर्टर नजीबुल्ला बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जीवनी में MPA ग्वादर मौलाना हिदायतुर्रहमान और असिस्टेंट कमिश्नर ग्वादर जवाद अहमद ज़हर की सदारत में अवामी दीवान मुनक़द हुआ। जिरगे में इंतजामी नुमाइंदा MC जीवनी के वाइस चेयरमैन और कौंसलरान, तालीम और सेहत के मकामी जिम्मेदारान, UC गंज के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, हकद तहरीक जीवनी के जिम्मेदारान और कारकुनान, सियासी और समाजी वर्कर, माहिगर, नुमाइंदा और आवाम की बड़ी तादाद शरीक थे। जिरगे में शुरकान इलाके के मुख्तलिफ मसाइल, पानी, बिजली, सेहत और तालीम, गैर मकामी माहिगरों की मौजूदगी, मनशियात फरोशी और दीगर मसाइल पेश किए। MPA ग्वादर मौलाना हिदायत ने अपने खिताब में कहा कि जिरगे से बाहम तबादला ख्याल का मौका मिलता है और ये एहतसाब का एक अमल है। जीवनी का अहम मसला पानी की बरवक्त अदम सप्लाई और नाकारा बिजली का सिस्टम है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्द इन मसाइल में बेहतरी लाए। जिरगे से असिस्टेंट कमिश्नर जवाद अहमद सहरी ने खिताब करते हुए कहा कि तालीमी हवाले से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। MPA के साथ मिलकर बेहतरी लाने में कोशां है। पहले मरहले में हम जिला के एक दर्जन से जायद बंद स्कूल को खोल रहे हैं। आखिर में MC जीवनी के वाइस चेयरमैन अमान जान अमान ने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि आप जिम्मेदारान मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम उठाएंगे। अगर नजीर में रोड सरा बांधा भी था, अगर टालर के खिलाफ इंशाल्लाह नको ये मैं जिंदगी मौत मसला टालर एक बार्डर एक बार्डर एक कारोबार बॉर्डर इंशाल्लाह मैं कोशिश करने मैं बॉर्डर है ये कोस्ट गार्ड है पेते मीरा सोन है ये मैं गए कोशिश मेहनत टालर टालर खिलाफ भी मैं जो बाकी बिल्कुल सही है कि दंगी दरी ये हर जाएगी मैं कोता कोशिश मैं नाउदा है ये मैं हक्के नाउदा बैग ये मैं लोकल मर्द मैं कारोबारी मर्दों भी ज्यादा मकान आज पसीनी है अरे ग्वादरा शुरू है पिशुकारा शुरू भी बाकी बेतरा उर्माड़ है जो ये वबा शुरू भी था डाम वाला गिरे होगा गड्डानी वाला गिरे होगा सच्चे मैं बोलो तो मुझे दस तरह है नष्ट में दरिया शो में त्याग शो में सच मिल्कियत शो सच्चे में शोता हम एक लालच है लाते मर्दमानी लालच है कि बस शायद मेरा दुकानदार रसी दुकानदार आबाद या क्रोच के इसी वजह का दुकानदार भी न रहती ये इलाके में तक मालिक भी नहीं तो जब माँ बलोच है माँ बलोच है माँ पाकिस्तानी है भले लोग एक दरवाजे हस्ते जिंदे जगरी संगत है दरवाजे तो एक दफा कहते हैं दरवाजे थूका रोगा नहीं लिए बिल्ले बलोच है बिल्ले तो सियाद है या हद हर खार या हद दे या हदू दे या ये तो मनी अमरादारी कुछ करने भले दरवाजे के खाते एक बंदे अस्पताल पे बीमार थी मैं देखे कि बीमारी से एक अस्पताल से लाते मैं दे मदारी लाते की सफाई करा एक चीजें अराब अपने लेबोरेटरी एक चीजें अराब साल है साल है अराब बिस्तर से चक्कर मुद्दा ते अराब ऐसे साल है वो चक्कर तो क्या है ऐसे बिस्तर है जमील आते वहाँ सब वो ना वो बिस्तर तर जमील तंते ऐसे उसे शेबा शरीर पे जरूरत होता है ना इधर आज ये है रिश्ते का मैं दे वो बेगे शक जाकर तक अच्छे बिस्तर वाला बा ये वैसे दया का कनगा कौन मौसम ट्रांस यारा भी पुरानी यारा भी यारा भी पैपे आज सब जी कॉमो में कॉम तनगा इधर जो कुछ सरकारों में मुल्क को चला इधर का होना है ना भाई दादार चीजें आराम है या 5000 साल या के अस्पताल चीजें आराम भी में अस्पताल हेड भी कम मुतार मनी लोग हैं और ये चीजें आराम है इस वजह से कोशिश हो बेकर मेहनत ही हो बेकर अब इन इंदिया इंतजार बेकर खाली मैं कह रहा बिगड़े हुए मैं कह रहा मोबाइल ऐसे एम्बुलेंस टायर ने हर अफसर ही कहते हैं बोले से टायर ने बोले कुछ टायर गुआतमान ने यार गुआतमान का ना वो हेड जिम्मेदारी है ना दार वहां से शुरुआत करना हेड जिम्मेदारी लाते हमारा जिम्मेदार भी कोशिश होती बेका होती लोग बेहतर करने गए मारा पे गए DCA पे गए ACA पे गए मुतबरा पे गए काउंसलर पे गए हर कसा पे गए चंदा चाय पे गए कि भाई अस्पताल फैला चीज आ रहा है
लेटर भी लिखी सब देखिए ऐसे मामला पे जो है वो कलेक्टिवली आप बात करें, मंशियात अगर हमारे अंदर होगी तो हम जितना भी तरक्की कर ले कोई फायदा नहीं, जितना भी हम अपने लोगों को एजुकेशन हेल्थ दे दें, इस नासूर से अगर हम जान नहीं छुड़ाएंगे तो इस सारी तरक्की का कोई फायदा नहीं है। मैं पर्सनली आपको कहूँ कि आप पॉइंट आउट करवाएं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मंशियात जाता है सर्वे कराए, मुझे उसी टाइम पता है मेरा तहसीलदार पुलिस को उठा के उधर जाके छापा मारवाए, ठीक है, अदरवाइज क्योंकि ए एरिया नहीं है तो ए एरिया डी एरिया नहीं है, हाँ इंडिपेंडेंटली हम छापा नहीं मार सकते एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं अगर हूँ मैं खुद उधर जा सकता हूँ या मेरा तहसीलदार जा सकता है पुलिस को साथ लेके उधर छापा मारेगा और जो भी था उसको अरेस्ट करेंगे, मतलब इसी वजह से कह रहा हूँ जो भी शुआ था डायरेक्टली मुझे भी कह, कल भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कहा था कि जीवनी से रिलेटेड थोड़ा क्योंकि ऑफिस से दूर है